हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइकिंग गेमिंग। तो आज हम हाजिर हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे मैं जो भी एडिटिंग और कोई भी पबजी के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम शेक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और जिटर, रैंडम गिटर इफेक्ट, जो कि अगर हम कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसमें शेक इफेक्ट भी बहुत ही ओपी किस्म का लगता है, तो हम इसके बारे में बात करें। तो इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है लाइट मोशन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विदाउट लोगो वाला। तो आपने सिंपली वो डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपने प्लस के ऊपर जाके आपने जो भी यहाँ से ये 180p 60fps या फिर 30 जो भी आप करना चाहते हैं वो करके, बैकग्राउंड आपने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट कर लेना क्रिएट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपने जोन सी भी क्लिप के ऊपर शेक या दूसरा इफेक्ट लगाना है, उसको आपने यहाँ सिंपली ऐड कर लेना है। जैसे कि अभी मेरे पास कोई एडिटिंग क्लिप नहीं है, मेरे पास ये एक आयरन मैन की वीडियो फ़ोटो है, हम इसके ऊपर ही अपना फ़िलहाल शेक इफेक्ट ट्राई करेंगे। तो लेट अस गो। तो आपने जितनी भी वीडियो अपनी यहाँ एक्सपोर्ट करने के बाद आपने जिस, अगर आपने पूरी वीडियो में लगाना है शेक इफेक्ट तो ठीक है, अगर आपने एक यानी कि वीडियो के किसी एक पार्ट में लगाना है तो यहाँ से आपने ये दरमियान में क्लिक करके वीडियो को कर लेना है स्प्लिट, ताकि वीडियो के दो पार्ट हो जाएं। जिस पार्ट पे आपने लगाना है आपको सिंपली वहाँ आपका शेक इफेक्ट लग जाए। तो यहाँ आपने नेक्स्ट, इसके बाद आपने इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट, देन यहाँ आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में सबसे आपको सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा ऑटो शेक, तो आपने सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये देखें हमारे पास कुछ हो गया इस तरह का, जो कि हमें फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रही क्या है। तो यहाँ आपने आने के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो आपने मैग्नीट्यूड है वो आपने अराउंड 7 कर देना है। जो इसकी स्पीड है वो आपने ज़्यादा करके जो है ना 10 तक कर देनी है। तो यहाँ आप क्लियरली एक जो है ना डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखें शेक, ये आप जब ये वीडियो में अप्लाई करेंगे तो ये और भी जो है ना ओपी सारी लुक देगा। अभी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है थी इसलिए मैंने इसको यहाँ, इसलिए आपको थोड़े से पार्टिकुलर हिस्से में लगा के दिखाया है। तो ये हमारा हो गया शेक इफेक्ट। शेक इफेक्ट के बाद हमारा जो दूसरा इफेक्ट है वो है रैंडम गिटर। तो सिंपली आपने वो वाला इफेक्ट लगाने के लिए अगेन इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट में आना है, और यहाँ आप अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ आपको सबसे नीचे लास्ट पर लिखेगा एक रैंडम गिटर। तो यहाँ रैंडम गिटर पे आके आपने ये वाला इफ़ेक्ट लगाना है। इसकी आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आके आपने इसका जो है ना एंगल वो अबाउट 90% कर देना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपने अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना सेट कर सकते हैं, वो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी स्पीड पर कितना, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखें हमारे पास एक और आ गया है, जो कि ये काफ़ी ओपी हो, नहीं ओपी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। ये देखें, ये मैंने आपको एक क्लियरली बता दिया है, आप इसके हिसाब से अपना जो भी आपकी क्लिप है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है ये एक। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।